जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेवाड़ के ही अगले ही भाग राणा कुंभा के भाग को पढ़ते हैं। आइए, हमारा चल रहा था टॉपिक राणा कुंभा, बड़ा टॉपिक है तो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे इसको। 1433 से लेकर 68 का जो काल है वो किसका है? कुंभा का है। किसका है? कुंभा का काल है। अच्छा, वो भी हैं गोवे के मन ध्यान को नहीं हो। हम पढ़ रहे थे नागौर की लड़ाई। नागौर की लड़ाई से ही आगे बात शुरू करते हैं। समस्त खां भाग कर अहमदाबाद चला गया और अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन जो थे उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। यहां तक बात होगी। अब क्या होता है, ताज खां नामक सेनापति महमूद खिलजी प्रथम को जाकर कुंभा के विरुद्ध अभियान को कहता है। इसी महमूद खिलजी प्रथम ने चौदह ईस्वी में गागरौन पर आक्रमण किया था। उस समय कुंभा का भांजा यहां वीरगति को प्राप्त हुआ था। गागरौन क्षेत्र वही है जब राव रणमल को कुंभा ने भेजा था। कुंभा ने राव रणमल को भेजा था जो डूंगरपुर और गागरौन वाला क्षेत्र वेरीशाल के पास था, उस पर अधिकार करने के लिए रणमल गया था और विजय प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना अपनी बुक में। अब यहां पर महमूद खिलजी प्रथम और ये दोनों मिलेंगे और एक संधि होती है, इतिहास में बहुत मुख्य भूमिका रखती है, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। तो इसको उतार लीजिए। ये जो ताज खां है ये महमूद खिलजी का ही राजदूत होता है, ये ध्यान रखना। इसे सेनापति राजदूत इसी का है और वो इसी को जाकर भड़काता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलते हैं आगे। याद कैसे करोगे? चंपा नेर की संधि क्या है? चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की जो संधि है, देखो, चैसे चार, पैसे पांच, चार पांच के बाद छह और एक। आल्योर थी। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई है? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम और कौन है इधर? प्लस प्लस देख लो इधर। हां, ये ध्यान रखना, गुजरात के कुतुबुद्दीन, इन दोनों के मध्य संधि हुई है, इन दोनों के मध्य। और ये संधि किसके खिलाफ हुई है? राणा कुंभा के
खिलाफ, किंग के खिलाफ हुई है, राणा कुंभा के खिलाफ ये संधि हुई है। इधर महमूद खिलजी प्रथम है, इधर गुजरात के कुतुबुद्दीन, उधर राणा कुंभा है। अब यही कुंभा इनको बदनौर के युद्ध में पराजित कर देता है 1456 में, ये इससे अगले साल ही पराजित कर देगा। ध्यान रखना, लिखना चाहो तो लिख दो कि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई कुंभा के विरुद्ध, कुंभा के खिलाफ, आगे लिख ही रखा है कुंभा के खिलाफ हुई, ठीक है, इनके मध्य संधि हुई, दोनों के मध्य संधि हुई। पूरा समझ जाना, कहीं मोटा दिमाग का भी हो सके भाई, दोनों के मध्य संधि हुई। ईस्वी में बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध कहां पर होता है? भीलवाड़ा। बदनौर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। इधर वही महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन, इधर है राणा कुंभा। अब क्या हुआ, यह दोनों युद्ध हार गए, कुंभा जीत गया। कुंभा ने बदनौर, भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाया, कुशाला माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाल माता बोल दो चाहे कुशाला माता का मंदिर, बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया है। बस इतना आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? कुंभा के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद कुंभा का निर्माण कार्य में हमने पढ़ चुके हैं पहले, विजय स्तंभ के बारे में ये मंदिर पढ़ लिया है, अचलगढ़ दुर्ग है, बसंतगढ़ दुर्ग है, भोमर दुर्ग है, ठीक है, इन सारे दुर्गों के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, किसी का पुण्य निर्माण करवाया पहले तो अब याद रखना, अ ब अचल गढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, दोनों ही सिरोही में। मचान दुर्ग भी सिरोही में, भोमट दुर्ग कहते हैं बाड़मेर में बनवाया। भोमट दुर्ग कहां पर बनवाया? बाड़मेर में। बैराट दुर्ग है, बदनौर है, ये कहां बनवाए? भीलवाड़ा में। और सबसे जो प्रसिद्ध है वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर बनवाया है गुरुजी? ये बनवाया है राजसमंद में। बसंतगढ़ को ही बसंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अचलगढ़ है, कुंभल है, बेवाट है, मचान है, चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बनवाया था और चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण भी करवाया था, यह भी लिख देता हूं, चित्तौड़
दुर्ग की मरम्मत करवाई, थोड़ा सा सुदृढ़ किया उसको, वह सुदृढ़ किया। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुंभलगढ़ कहां पर है। चलो फिर, ये रहा। कुंभलगढ़ दुर्ग राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग में ही चंद्रपुर दुर्ग मेवाड़ शासकों की शरणस्थली मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कर्नल टोड ने एट्रूस्कन दुर्ग की संज्ञा दी। अबुल फजल, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यानी कहते हैं कि नीचे ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाए, इतनी बुलंदी पर बनेड़ो दुर्ग है। इसे कहें, आगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे इस किले में अपने प्रवेश करते हैं इधर से, तो एक ये मंदिर बना हुआ है गणेश मंदिर, एक इधर ये मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसके बाहर जो ये देखो दीवार दिख रही है, ये 36 किलोमीटर लंबी है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार, जहां पर 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और इस किले के ऊपरी भाग में यहां यहां अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर है कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़ है यहां पर, और इस कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था, कुंभा यहां पर देखा करता था। सर, यह कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में क्या बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हाथीनाल दर्रे पर इसका शिल्पी मंडन था, उसकी देखरेख में यह बनाया गया। और आगे जाकर पढ़ेंगे एक ही व्यक्ति इस दुर्ग पर शहबाज खां विजेता प्राप्त करता है।
जैसे यह है मैंने बनाया ये तो यह है कुंभलगढ़ की प्राचीर, 36 किलोमीटर लंबी कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं। तीन चार घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अब मैं कहूं कि ये कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये मेवाड़ की आंख जिसे बोलते हैं कटारगढ़, और कटारगढ़ जो है कुंभा का निवास स्थान है, कुंभा का निवास स्थान जिससे वो सब पर नजर रखा करता था। इसी कटारगढ़ की जूनी कचहरी बादल महल में आगे जाकर महाराणा प्रताप का जन्म होगा। यह वही दुर्ग है जहां पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की भी छत्री बनी हुई है। तो हमें तो सिर्फ कुंभा के बारे में पढ़ना था, आगे चलते हैं। कुंभा के समय सेठ धरणक शाह ने मथाई नदी के किनारे पाली जिले में मथाई नदी के किनारे पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण शिल्पी देपाक की देखरेख में करवाया। अन्न के क्या गुरु जी, इन मंदिरों को बोलते हैं, जैसे ये मंदिर बना दिया अपन ने, ये समर्पित किसको है, आदिनाथ या आदिनाथ जी को बोलते हैं, ऋषभदेव को समर्पित। प्रश्न आता है, इन्हें बोलते हैं वनों का घर, वनों का घर, स्तंभों का घर, 1444, खंभों का घर, इन्हें बोलते हैं चौमुखा जैन मंदिर, इन्हें बोलते हैं त्रिलोक दीपक, नलिनी गुल्स विमान। तो ये जो सारे नाम हैं ये इन्हीं के नाम हैं। रणकपुर के जैन मंदिरों का मथाई नदी के किनारे पाली जिले के अंदर शिल्पी देपाक की देखरेख में धरनक शाह ने बनवाए थे कुंभा के शासनकाल में, मुख्य रूप से कुंभा के शासनकाल में है। इसी के सामने एक पार्श्वनाथ मंदिर भी बना हुआ है, ये तो है, इसके सामने एक क्या बना हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर जिसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं, वेश्याओं का मंदिर बोल दो या वेश्याओं की जगह गणिका बोल दो। अब आगे पढ़ेंगे,
हमने जहां तक युद्ध था, निर्माण था, उसको साथ लेकर चले, पूरा पढ़ा है। अब इसके दरबार के बारे में पढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। कुंभा के ग्रंथ, संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ पांच भागों में विभक्त नृत्य वाद्य रस पाठ्य गीत, आगे सबके नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश। इनके अलावा संगीत सार, कामराज, रति सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, चंडीस्तक पर व्याख्या, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, राजवर्णन लिखा, और जो गीत गोविंद पर टीका थी रसिक प्रिया, टीका इसका नाम था रसिक प्रिया। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, इसके द्वारा है जयदेव की, लेकिन इस पर जो टीका है वो किसके द्वारा लिखी गई, कुंभा के द्वारा, रसिक प्रिया। और इसी रसिक प्रिया में राणा हमीर को क्या बताया गया था, सर राणा हमीर को वीर राजा बताया था, बिल्कुल राइट। कोई भी प्रश्न पूछे आपके पास जवाब होना चाहिए। संगीत सार है, संगीत राज है, कामराज है, ये सारे ग्रंथ आपको याद होने चाहिए इनके, कौन कौन से थे। सूर सुधा प्रबंध है, पूरा का पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी एक, वो भी लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं, संगीत रत्नाकर पर टीका, अभी ध्यान रखनी है। अब इनके बाद में आ जाता है इनका खास घनिष्ठ मित्र यानी शिल्पी, जिसका नाम है मंडन। तो मंडन के ग्रंथ आएंगे, दरबारी शिल्पी मंडन, मंडन के ग्रंथ है प्रासाद मंडन, देवालय निर्माण से
संबंधित शकुन मंडन, शकुन व अपशकुनों से कोदंड मंडन धनुर्विद्या से संबंधित रूप मंडन एक बार एग्जाम में पूछा गया पटवार एग्जाम में कि रूप मंडन किससे संबंधित है। मूर्ति कला से मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मूर्ति कला से संबंधित वो वापस रिपीट हो सके है। आज चीज थाने ध्यान रखनी है पूरी की पूरी। राजवल्लभ गलत लिखी जोगे जी पहला ले आवे हाँ राजवल्लभ जो ग्रंथ है सामान्य नागरिकों के आवासीय गृह से लेकर राजप्रसाद सामान्य नागरिकों के आवासीय घरों से लेकर राजप्रासाद के नगर निर्माण से संबंधित इसको उतार लीजिए आप फिर आगे पढ़ते हैं। इनके और भी ग्रंथ है वेद्य मंडन है वास्तुसार है वास्तुमंडन है देवमूर्ति प्रकरण भी नहीं लिखा गया चलो आगे बढ़ते हैं। वेद्य मंडन वास्तुसार वास्तुमंडन और देवमूर्ति प्रकरण देवमूर्ति प्रकरण वेद्य मंडन जो है व्याधियों से संबंधित है। शरीर में कोई व्याधि आ गई संबंधित भी निर्माण वगैरह वास्तुसार अपने वास्तुकला से सविस्तार वर्णन है इसमें देवमूर्ति प्रकरण भाई देवी देवताओं संबंधित है। वास्तुमंडल में आई चीज आ जाएगी लेकिन इनके अंदर कोई तालाब बनाए हुए है कोई कुंड बनाए हुए बिंग बारे में बताया हुआ वास्तुमंडल के अंदर मंडन का भाई नाथा जिसने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा मंडन का पुत्र गोविंद इसने कला निधि
द्वार दीपिका कला निधि, द्वार दीपिका उद्धार धोरिणी, ये जो ग्रंथ है ये मंडन के पुत्र द्वारा लिखे गए। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, संगीत की विदुषी महिला थी जिसे वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी और उसके लिए एक श्रृंगार चौंरी जो अपने कहते हैं चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। प्रश्न आता है कि कुंभा का दरबारी कवि कौन था? कान्हा व्यास था। कुंभा का गुरु कौन था? हीरानंद चित्रकला गुरु था, गुरु जी। संगीत गुरु सारंग व्यास था। सर तिल्ला भट्ट था क्या दरबार में? सर भुवन कीर्ति था क्या? सर सोम सुंदर था क्या? सुंदर सूरी था क्या? सारा बताऊंगा नहीं, पढ़ लिया चुपचाप, उतारो इसको। उतार लिया? मंडन जो है आपसे ये पूछा जाए कौन था, तो गुजराती ब्राह्मण खेता का पुत्र था। खेता का पुत्र था। आगे चलते हैं। कुंभा संगीत गुरु, सहसे संगीत गुरु, सहसे सारंग व्यास। कुंभा दरबारी कवि, कैसे दरबारी कवि, कैसे कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने संस्कृत में एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की। कुंभा का चित्रकला गुरु हीरानंद, हीरानंद ने सुपास नाहचर्यम सुपास नाहचर्यम मेवाड़ चित्रकला का मेवाड़ चित्रकला का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। कुंभा की पुत्री रमाबाई, इस रमाबाई का विवाह सोरठ जूनागढ़ निवासी मंडलीक से हुआ। तो ये मंडलीक रमाबाई को परेशान करता था, तो ये रमाबाई मेवाड़ विवाह के बाद मेवाड़ वापस चली आई। अब इसके भाई थे राणा रायमल ने
रमाबाई को जावर का परगना दिया इस जावर में इसने एक रामकुंड तथा एक मंदिर बनवाया कुंभ श्याम मंदिर बोलते थे उसको भी। रमाबाई संगीत की विदुषी महिला थी और रमाबाई को वागेश्वरी, वागेश्वरी का मतलब होता है सरस्वती, वागेश्वरी की उपाधि प्रदान थी। कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग में स्थित चौंरी, विवाह की चौंरी होती है रमाबाई की है, विवाह की है जिसे श्रृंगार चौंरी के नाम से जानते हैं ना अपने, वह यहां पर जो मंदिर है इसको भी लिख लो, राम स्वामी का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर विष्णु ही था, लेकिन कुंभ श्याम को कह दो नाम कोई भी दे दो वो विष्णु मंदिर ही है। अब उसके जो दरबारी कवि जो बच गए उनका नाम लिखते हैं, अन्य दरबारी सोम सुंदर जयशेखर सुंदर कीर्ति भुवन कीर्ति तिला भट्ट, ये जो है अन्य जो थे उनके बारे में बताया है। एक आशानंद और लिख सकते हैं, आशानंद ये सारा कुंभा का दरबार का आदमी है, सुंदर सूरी, सुंदर कीर्ति लिख दिया सुंदर सूरी। अब क्या हुआ कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया, और कुंभा क्या है भेकी भेकी बातें करने लगा, बेकी बेकी बात आ गया समझो थार काम खत्म होना है। फिर एक चारण यहाँ पर आता है और इनको एक बात सुनाता है, इससे इनको खुशी होती है और वह भेकी भेकी बातें तो बंद कर देता है लेकिन उन्माद रोग ठीक नहीं होता। कुंभा को कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया जो नागौर में गोचर बनवाया, आज वह गाय तांडव किया करती है, बहुत बढ़िया कार्य किया, लेकिन 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में बने मामादेव कुंड के पास कुंभा के पुत्र उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी, उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं।
उसके बाद उदा पर बिजलियां गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये राव बिका की तरफ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 1468 है और 1465 के अंदर जो है बीकानेर की स्थापना होती है, लेकिन वो सहयोग नहीं करता है, क्योंकि मेवाड़ के राजा की हत्या की है, तो वहाँ के जो और साथी थे वो इनसे नाराज़ थे। तो बिका सोचता है कि अगर मैं इसकी सहायता करूँगा फिर वे भी मैं अगर शरण दूंगा तो मेरे पर आक्रमण होगा। उसके बाद में बिजलियाँ गिरने से मृत्यु हो जाएगी, और क्या बोलते हैं आँख में लगी रे, राणा रायमल है जो गद्दी पर बैठेंगे, और राणा रायमल के ही वीर पुत्र की बात करेंगे आगे फिर इतिहास में राणा सांगा की। फिर एक शासक ऐसा ही चला जाएगा, उसके बाद फिर एक इतिहास के शासक महाराणा प्रताप की बात करेंगे, उसके बाद फिर एक दो शासक जाएंगे, फिर महाराणा राज सिंह की बात करेंगे। तो ऐसे राजा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये था पूरा का पूरा महाराणा कुंभा के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि कुंभा जो है वह वीणा वादक था, उसके समय क्या क्या हुआ, कैसे हत्या हुई, सारी की सारी बात आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, कोई चीज रह ना जाए। कुंभा को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, यह भी ध्यान रखना है, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी, ये सब वो लिखना जानता था। हरविलास शारदा ने एक बात कही थी, उतार लिया हो तो लिख देता हूं। हरविलास शारदा ने कुंभा को महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान विद्वान, महान निर्माता कहा है, हरविलास शारदा के अनुसार। और कुंभा को जो है बात करूं मैं तो कौन कौन सी भाषा हो जाएगी, मेवाड़ी है, कर्नाटी है, महाराष्ट्री है, कुंभा मेवाड़ी महाराष्ट्री या कर्नाटकी, इन सभी भाषाओं को जानता था। और युग पुरुष तो है ही, नवे भारत तो है ही, ऐसा महानतम शासक महाराणा कुंभा, कला व स्थापत्य कला का जनक, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। 84 में से 32 गिरिदुर्गों का निर्माण कवि राजा श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ में बताया गया है कि मेवाड़ के अंदर 32 गिरिदुर्ग बनवाए थे। तो सभी दोस्तों को कहूँगा कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।